शीतलहर के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सर्दी ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं के चलते जनमानस अस्त व्यस्त है। कोई गर्म कपड़ों का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है तो कोई अलाव का सहारा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में जनवरी का महीना पूरी तरह सर्दी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद मुरादाबाद के बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी करते हुए लोग बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सर्दी से बचने के लिए जहां आम आदमी सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पशु भी सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। मुरादाबाद के ईदगाह के सामने स्थित फल व्यापारियों ने हमेशा की तरह इस वर्ष भी गर्म कपड़ों का फल लगाया गया है। इस मौके पर जब फल व्यापारियों से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने बताते हुए कहा, सर विंटर सीजन इस तो बहुत अच्छा है, मगर मंदी की होने की वजह से जनता माल को अच्छे दामों में नहीं खरीद पा रहे। ये जो इस साल की जो हुकूमत जो आई है, इस हुकूमत के दौर में पब्लिक की इतनी पुअर कंडीशन है, सस्ता माल भेजे हुए जो इसके पास पैसे होने की वजह से माल खरीद नहीं पा रहे। बड़ी सब पुअर कंडीशन है हिंदुस्तान की। और अगर महंगाई का दौर है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो बड़ी चरम सीमा पे है और इस वक्त जो है बस व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने लॉट ऑफ मनी बहुत माल खरीदा, मगर जिन दामों में खरीदा उस दामों में जनता खरीद नहीं पा रही। बड़ी पुअर कंडीशन है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। अच्छा, जैसे आप भी बुजुर्ग हैं और सर्दी से बुजुर्गों को बचना चाहिए, क्या कहेंगे? बचने के लिए क्या कपड़ा वपड़े पहनना चाहिए? जो हमारे जो बुजुर्ग हैं और जैसे बचाने के लिए आप उनको जो है जरूर मस्ट इन आइटम वेयरिंग एंड वार्म एंड क्लॉथ पहनने चाहिए। और दूसरे जो हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है उसको भी आदान प्रदान करना चाहिए। जो जो रिच और मैनेज सरमायादार लोग हैं उनको थोड़ा लोगों को समझना चाहिए। सही।